हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल रेसिपी, आपके हर रोज़ काम में आने वाली रेसिपी, आप आसानी से घर में बना पाएँ ऐसी रेसिपी, टमाटो केचप। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में टमाटो केचप कैसे बनाएं। टमेटो केचप बनाने के लिए मैंने लिए हैं 1 किलो टमाटर और इसको धो के पानी में भिगा दिया है ताकि इसकी चमक कम ना हो। आपने जब भी टमाटर केचप बनाना है तो ऐसे लाल टमाटर लेना है, अच्छे क्वालिटी के टमाटर, अच्छे क्वालिटी के होना चाहिए। अब मैं ये काट के दिखाता हूँ आपने कैसे काटना है। आप चाहें तो साबुत भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन काटना एक सही तरीका है और आसानी से बॉयल हो जाते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ से ये देखिए ये चीज काट के निकाल देनी है। आप ये ना सोचें कि हमने उबालना ही है तो ये सब डाल दें, ऐसा ना करें। उसके बाद आपने रफली टमाटर काट लेना है। ये देखिए टमाटर की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ऐसे ही अच्छे क्वालिटी के टमाटर लेना है आपने और ऐसे काट लेना है। इस तरीके से आप सारे टमाटर काट लें। ये देखिए टमाटर मैंने लिए हैं काट और कैसे लालम लाल टमाटर दिख रहे हैं, ऐसे ही टमाटर होना चाहिए, कितने अच्छे लग रहे हैं देखिए, मज़ा आ रहा है ना देख के। ऐसे ही आपने लेना है अच्छे टमाटर और इसमें मैं ये चीज़ें डालने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो। आपने एक प्याज लेना है मीडियम साइज का, 3 साबुत लाल मिर्च सूखी हुई, 1 टुकड़ा अदरक का, 6 से 7 दाने लहसुन के। अगर आप 9 ऑनियन 9 गार्लिक हैं तो ये निकाल दें, सिर्फ मिर्च और अदरक डाल के बनाएं। अगर आप अदरक भी नहीं खाते हैं तो खाली मिर्च डालें। इसका अल्टीनेट मुझसे ना पूछें प्लीज, इसका कोई अल्टीनेट नहीं है। अगर खाते हैं तो डालें, ना खाते हैं तो निकाल दें। अब हम करेंगे टमाटर बॉयल। बॉयल करने के लिए आपने लेना है एक सॉस पैन। सॉस पैन के अंदर आपने डाल देना है टमाटर जो हमने काट के रखे थे। उसके बाद वो सारी चीजें डाल दें जो मैंने आपको दिखाई थी और पानी। पानी आपने आधे से पौना कप डालना है और गैस चालू करके आपने अच्छे से इसको उबाल लेना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से टमाटर उबल रहे हैं, आपने भी इसी तरीके से उबालना है। और पानी आप भर के ना डाल दें, नहीं तो क्या होगा पता है, पानी पानी हो जाएगा। एक बहुत ही जरूरी चीज आपको बताना भूल गया मैं, आपने ढक्कन लगा के टमाटर बॉयल करने, तो आप प्लीज कृपया करके ढक्कन लगाएं उसके बाद उबालें। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है, ढक्कन लगा के अच्छे से इसी तरीके से उबाल लेना है। अब ये देखिए एकदम अच्छे से उबल गए। अब मैं गैस बंद कर दूंगा और इसको कर लूंगा ठंडा। टमाटर मैंने सॉस पैन से निकाल के एक बॉल में डाल लिए थे और ये अब अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब मैं इनको पीसूंगा। ये देखिए टमाटर मैंने पीस लिए हैं, आप भी इसी तरीके से पीस लें। अब हमने क्या करना है आपको बताता हूँ। आपने लेना है ऐसा एक डिप बॉल, डिप बॉल के अंदर आपने रखना है एक छलनी, ये देखिए ऐसे, के बाद जो हमने टमाटर पीसे थे वो इसमें डाल देना है आपने। ये देखिए कलर देखिए कितना बेहतरीन आया है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, शायद मेरे मोबाइल में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त कलर आया है। कलर आने की जो असली वजह है वो है टमाटर, क्योंकि टमाटर ही मैंने बहुत ही अच्छे क्वालिटी के लिए थे और उसको ढक के अच्छे से बॉयल किया था। अब आपने इस तरीके से ये देखिए छान लेना है, सारा पल्प निकाल लेना है। धो के धड़ी से अगर टमाटर के बीज और छिलके रह जाएंगे, शायद धो के धड़ी से मैंने आपको बता दिया है, तो वो सब निकल जाएंगे। ये देखिए ऐसे आपने छानना है और कलर का कोई जवाब नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। और मैं वीडियो बनाता हूँ मोबाइल से, इस वजह से कभी कम कभी ज़्यादा, कहीं है कहीं नहीं, ऐसा कलर होता रहता है, उसके लिए आई एम सॉरी। पर आपने बनाना ऐसे ही है, आप बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा कलर आएगा। शायद मैं उतना अच्छा कलर ना दिखा पाऊँ, लेकिन आया बहुत ही अच्छा। ये देखिए इस तरीके से आपने पीस के छान लेना है। अब हम इसको पकाएंगे। अब आपने लेना है एक सॉस पैन, सॉस पैन के अंदर जो हमने प्यूरी छान के रखी थी वो डाल देना। ये देखिए इस तरीके से प्यूरी ऐसे डालने के बाद आपने इसमें डालना है 1/2 कप विनेगर, वाइट विनेगर, 1/2 कप चीनी, 1 टीस्पून नमक,
और अगर आपने इसको चटपटा बनाना है, बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार, तो आप इसमें आधा चम्मच या फिर एक चम्मच देगी मिर्च डाल दें। उससे क्या है, हल्का सा स्पाइसी भी हो जाएगा और कलर आ जाएगा बहुत ही बढ़िया। कलर तो इसमें बढ़िया आया ही है, लेकिन देगी मिर्च डालेंगे ना तो और थोड़ा अच्छा आ जाएगा। और आपने ऐसे मिक्स करना है। होममेड टमाटर केचप की जो सबसे खास बात है वो ये है कि आप इसका टेस्ट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप मीठा कर सकते हैं, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप स्पाइसी कर सकते हैं, अगर आपको गार्लिक की खुशबू ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा गार्लिक डाल सकते हैं, अगर आपको कुछ मसाला इसमें डालना है वो आप डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं क्योंकि आपने इसको बनाना है। तो अब आपने स्लो गैस में इसको आराम से पकने देना है, कम से कम 10 से 15 मिनट पकाते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने और इसके साथ क्या करना है। ये देखिए कितने आराम से पक रहा है। जब ऐसे पकेगा और ये देखिए ये बलबूड़े निकलने लगेंगे, तब आपने इसकी थिकनेस चेक करना है। अभी थोड़ा और ये पकेगा, थोड़ा सा गाढ़ा और होना चाहिए। आपने एक प्लेट में डालना है और देखना कि इसकी साइड से पानी ना निकले। मैं अभी आपको 5 मिनट के बाद डाल के दिखाऊंगा। थोड़ा सा और पका लेता हूँ, ये देखिए थोड़ा पतला लग रहा है, तो हम इसे थोड़ा और पकाएंगे। पकाना है आपने स्लो गैस में। अब आपको फाइनली चेक करने का तरीका बताता हूँ। ये देखिए आपने इस तरीके से लेना है और प्लेट में डालना है, इस तरीके से आपने प्लेट में डालना है। ये देखिए अगर इसने पानी नहीं छोड़ा, मतलब साइड में पानी नहीं आया, मीन्स पक चुका है। और थिकनेस तो इसकी काफ़ी अच्छी है, देखिए बस पानी अलग नहीं होना चाहिए। कोई भी आप खाना बनाते हैं, खाली टमाटर केचप की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी खाना बनाते हैं, उससे पानी ना निकले, यानी कि खाने से पानी अलग ना हो, तो वो खाना परफेक्ट है। इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है। थोड़ी देर ऐसा रखा रहने दें। ये देखिए केचप से पानी अलग नहीं हुआ है, मतलब बहुत ही बढ़िया पक चुका है। तो मैं ये इसमें डाल दूंगा और इसको मिक्स करूँगा, और अब ये गाढ़ा भी हो गया काफ़ी। ये देखिए इसी तरीके से आपने इसको पकाना है, कम से कम आप इसको 20 से 25 मिनट पकाएं। और गैस बंद करने से पहले, क्या बोला मैंने, गैस बंद करने से पहले आपने इसको टेस्ट कर लेना है। एकदम चटाका हो गया इसमें। अगर आपको कुछ कम लगे आपके टेस्ट के हिसाब से, तो इस टाइम पे आप डाल सकते हैं नमक, खट्टा या फिर चीनी या फिर मिर्च, जो भी आपको कम लगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये रेसिपी है बहुत ही परफेक्ट है, एकदम मतलब कुछ आपने देखना नहीं है। बस गैस बंद किया, इसको ठंडा किया मेरे विश्वास पे, और आपने बस खा लेना है। अब हमारा टमाटर केचप ठंडा हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको बोतल में भर के रख लेना है और आराम से 1 महीना तक निकाल निकाल के खाना है। अगर आप इसको बोतल में भर के फ्रिज में रखेंगे तो ये खराब नहीं होगा 1 महीना। अगर आप बोतल में नहीं भरना चाहते हैं तो कोई भी एयर टाइट जार में भर के रख लें। और इसका कलर तो आपको दिख ही रहा होगा कितना अच्छा आया है, ऐसा ही कलर आना चाहिए आपके केचप में भी। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने केचप बनाया और आपका कलर कितना अच्छा आया और कितना टेस्टी बना खाने में। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अब मैं आपको ये बोतल में भर के दिखाता हूँ। बोतल है तैयार। अब आपने क्या करना है, आप एक बोतल काट के इसके ऊपर लगा सकते हैं, कुप्पी लगा सकते हैं। अगर ये सब आपके पास नहीं है तो उसका हल हम आपको बताएंगे आपने क्या करना है। आपने ऐसे पाइपिंग बैग बनाना और इस तरीके से रख लेना, ये देखिए, और पहले नीचे से पाइपिंग काट लें। ये देखिए ये हो गया तरीका। अब आपने सॉस पैन से निकाल के एक बॉल में डाल लेना है पहले केचप को, और ऊपर से इस तरीके से डाल देना है। देखिए बहुत ही आसान है, ये होता है तरीका काम करने का। आपने घबराना नहीं है कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है कैसे हम करें। ये देखो बोतल भर गई और थोड़ा सा बचा भी है केचप, कितना बढ़िया हुआ है। अब आपको दिखाना बढ़िया कितना हुआ है, ऐसे बनाना है आपने और मुझे बताना है। वाह, ये देखिए